हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे करंट अफेयर का जो सीरीज़ है वो डेली बेस पे चलाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका 20 से 25 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में आने वाला है। जैसा कि मैं आपको डेली बेस पे बता रहा हूँ कि 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको करंट अफेयर बेहतर तरीके से लेकर के चलना है। अभी देखिए क्या है कि रुक्मिणी प्रकाशन यानी प्लेटफार्म का करंट अफेयर वार्षिकांक चलाया जा रहा है, जिसमें आपको टोटल 30 सेट यहाँ पे देखने को मिलेगा और टोटल 30 सेट में 600 क्वेश्चन आपको यहाँ पे MCQs के फॉर्म में देखने को मिलेगा। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है डेली, तो इसको कोशिश कीजिए कम से कम मेरा 15 या फिर 18 प्लस क्वेश्चन आपका सही हो। वन लाइनर फॉर्म में भी आपको मैं करवाऊंगा, एक मंथ का मैंने करवा दिया है, लेकिन आप सभी लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। बहुत कम लोगों ने उसको देखा है, इसीलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करता। आप लोग उसको देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है। आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर वीडियो कौन अपलोड करेगा, आप ही बताइए। आप लोग देखेंगे तभी ये वीडियो अपलोड हो पाएगा। तो आप सभी लोग के लिए मैं कोशिश करूंगा दोबारा लाने के लिए। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यही पूरा बुक है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, पूरा डिटेल आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। एक एक चीज़ आप इसको बारीकी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सी नगर पालिका है, बताइए। यहाँ पे शीर्ष स्थान पर पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट जरूर कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेचर प्राइड आधारित है किस पर, बताइए ये किस पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीमेन फॉरेस्ट ऑफिसर्स पर, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी राशि के नारी सम्मान कोष बनाने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 करोड़ आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। अगला है कि तीरथ सिंह रावत किस राज्य या फिर केंद्र शासित के नए मुख्यमंत्री बने हैं, चलिए बताइए। मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी राशि के नारी सम्मान कोष बनाने की घोषणा की है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 करोड़ रुपया, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला है, मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन नंबर 4 का कि किस मुख्यमंत्री यानी कौन से केंद्र शासित प्रदेश के बने हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी, उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है, यहाँ पर थीम पूछा गया है, क्या होना चाहिए इसका थीम, बताइए इसका सही आंसर क्या करेंगे आप। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, युवा उत्साह नए भारत का, यानी देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा। वियतनाम के नए राष्ट्रपति हैं, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन हैं, तो करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन ए, युगेन कू टोंग आपका यहां पर ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी देखा जाए तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर ए हो जाएगा। यूरोपीय संघ के किस देश में रूस द्वारा स्पुतनिक 5 वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे इटली हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बंडई बांध का उद्घाटन किस राज्य के ललितपुर जिले में किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरस राष्ट्रीय क्रॉप्ट मेला 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है,
तो सही आंसर क्या होगा इसका? देखिए, इसका सही आंसर आपका जयपुर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है कि एयर इंडिपेंडेंस प्रोपुलसन तकनीक किसके द्वारा बनाई जा रही है? तो ये देखा जाए तो आपका DRDO हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। कहता है वर्ष 2020 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? बताइए ये किसको दिया गया है, तो सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिए सही आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का डी हो जाएगा, कोनेरू हम्पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोनेरू हम्पी। आगे देखते हैं, किस भाषा के मशहूर कवि NS लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हो गया है? तो करेक्ट आंसर आपका 12 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे कन्नड़ हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फ्रांस। आगे देखते हैं, कहता है ग्लेन मार्क फार्मा के स्किन सॉल्यूशन उत्पाद क्रैंडिड पाउडर का ब्रांड अम्बेसडर किसे बनाया गया है? देखिए इसको आराम से आंसर करिए, कोई जल्दी नहीं है, जितना आप अच्छे से आंसर समझ के करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। कोशिश कीजिए ज़्यादा समझ के आंसर करें, जल्दीबाजी में आप कोई भी आंसर मत टिक दीजिए। अब देखिए इसका आंसर होना चाहिए आपका रोहित शर्मा को ये ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया है। अगला है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मई 2020 में एलर्जी पॉलीमर प्लांट की प्लांट में किस गैस के रिसाव से दुर्घटना हुई है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टायरीन गैस आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। यूरोप में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर देखा जाए 16 का तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्लोवेनिया। आपको देखा जाए तो ये कोरोना वायरस से पूरा मुक्त हो गया है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है या फिर पूछा जाएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये आपका कहाँ पर हुआ है, तो देखा जाए तो मेलबर्न हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि जम्मू कश्मीर का गुच्छी क्या है जिसे जनवरी 2021 में GI टैग दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मशरूम, बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा सभी लोगों का। अगला है कि गूगल मैप के विकास के तौर पर मैप माई इंडिया ऐप लॉन्च किया गया है, किसने ये लॉन्च किया है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, JNU ने ये लॉन्च किया है मैप माई इंडिया ऐप, इसको आप याद रखिएगा, गूगल मैप विकास के तौर पर ये लॉन्च किया गया है। 17 से 18 फरवरी 2021 तक भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश के विदेशी दौरे पर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। ये रूस के दौरे पर थे, कौन? तो सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। तो इसको आप याद रखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया है, अब बताइएगा कि 20 प्रश्न में से आपसे कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अभी क्या है कि आपका 75 क्वेश्चन सुबह आपका अपलोड किया जा रहा है,
बिहार एसआई पीटी का जीएस जीके जीएस, तो उसको भी अच्छे से सॉल्व करिए, उसमें भी आपका अच्छा खासा स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेहनत किया जा रहा है।